अगली खबर भिवानी से है, जहां एक परिवार ने जहर खाया। पति पत्नी ने बेटा और बेटी के साथ जहरीला पदार्थ निगला। चारों की हालत गंभीर बताई जा रही है और चारों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार जमीन विवाद के चलते जहरीला पदार्थ निकला और इसमें बड़ी बात यह है कि एडीसी दफ्तर के सामने जहर खाया है। मीताथल गांव का ही रहने वाला परिवार बताया गया। जमीन विवाद कोई था जिसका हल नहीं हो पाया था और इसी के चलते एडीसी दफ्तर के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कदम उठाया गया। अशोक भारद्वाज हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर गए। अशोक, पूरे ही परिवार ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जहरीला पदार्थ निकला है, वो भी एडीसी दफ्तर के सामने। क्या जानकारी मामले से जुड़े? जो गांव मितातो के रहने वाले परिवार जो है और ये भिवानी जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे हुए थे और अपनी जो आवाज सुनने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से उनके ऊपर जमीनी विवाद को कोई मामला चला हुआ था और पुलिस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि आखिर मामला कहां किस बात को लेकर है, ये अभी तक पूरी तरह से तथ्य इसके सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस मामले को जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उस मामले में काफी दिनों से जो ये परिवार है जो पीड़ित था और उसी विवाद को देखते हुए आज ये कार्यालय यहाँ पर जो डीसी कार्यालय के पास में जो पहुंचे हुए थे और वहीं पर जो चार सदस्य जो परिवार के थे, जिसमें पति और पत्नी और दो नाबालिग जो बच्चे हैं वे थे, उन्होंने अचानक एकदम से उनके प्रशासनिक अधिकारी से तालमेल नहीं बन पाए या उनकी आवाज नहीं सुन पाई या फिर किस प्रकार की कोई क्या बात रही। हालांकि इन्होंने वहां पर जहर निकला है और जहर निकलने से जो कि इनकी हालत है वो गंभीर हुई है और पीजीआई रोहतक इनको रेफर किया गया। फिलहाल जो पुलिस इस मामले में जो जांच कर रही है कि आखिर जो चारों सदस्यों ने जो अधिकारियों के कार्यालय के सामने जो है वो जहर खाया है तो किस कारण खाया है, इस मामले में पुलिस जो तय तक है वो जा रही है और इस मामले को जो पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। क्योंकि इस प्रकार से जहर निकलना हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर जो खड़ा है प्रशासन के लिए, बड़ी मुसीबत यहाँ जो बनी हुई है पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी मुसीबत जो यहाँ पर खड़ी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अशोक, की पूरी जानकारी आपने दी। तो भिवानी से बड़ी खबर आपको बताई, मीताथल गांव का रहने वाला ये परिवार है, जमीन विवाद को ही था जिसका हल न निकलने की सूरत में एडीसी दफ्तर के सामने पहुंचा और पूरे ही परिवार ने जहरीला पदार्थ निकला। सभी चारों को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया जहां उपचार जारी है।